हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स और अपनी जर्नल अवेयरनेस और अपनी जीके को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों की लर्निंग कंटिन्यू करूँगी और ये सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की है आप लोगों की जर्नल अवेयरनेस और जीके को इंक्रीज करने के लिए। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, सपोर्ट दें लाइक हिट के जरिए ताकि मैं यूँ ही क्लासेस कंटिन्यू रख सकूँ, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। आज हम जानेंगे कि किसी भी ईयर के बाद AD एंड BC क्यों लगा होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पूरा क्लियर करेंगे, लास्ट तक टॉपिक देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, सिंपल सा आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं, ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें, और अगर आप लोगों को वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिले और थोड़ा बहुत भी अगर आप सीखे हो तो ज़रूर लाइक हिट करें। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो AD की फुल फॉर्म मैं क्लियर कर दूं। AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और BC जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। अब एक्चुअल में होता क्या है और इन मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या कंटिन्यू करना है हमें, हमारी पूरी वर्ल्ड वाइड, मतलब ये जो पूरी दुनिया है वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग हमारी जो हिस्ट्री है वो 2 टाइम्स पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है AD के अकॉर्डिंग, एक डिपेंड करती है BC के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, मतलब एक तरीके का समय है जो निकल चुका है, जो कंटिन्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है AD एंड BC के अकॉर्डिंग। अब ये एक्चुअल में है क्या, अब देखेंगे और जानेंगे। हमारे इतिहास को सालों के क्रम में ईसा के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय में बांटा गया है। वही सेम चीज़ मैंने बताई अभी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद का टाइम कंटिन्यू किया गया, और किसके? ईसा मसीह के। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व काल या समय के अकॉर्डिंग ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि जन्म से पहले को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, जिसे बोला जाता है हिंदी में ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को या काल को उसको कहा जाता है AD, यानी कि एनो डोमिनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं ईसवी। ठीक है, और ईसा पूर्व और ईसवी के बीच में यही अंतर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व और ईसवी किससे रिलेटेड है। ईसवी हमारा AD से रिलेटेड है और ईसा पूर्व हमारा BC से रिलेटेड है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। आगे देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ उसे परंपरागत रूप से 1 AD और उसके 1 वर्ष के पहले के समय को 1 BC कहा जाता है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल फैक्ट है कि अभी तक हमारे सामने इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट जानकारी है इस चीज़ की कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे या ईसा मसीह थे, तो इनका जन्म एक्चुअल में हुआ कब था। कहीं पर 4 BC लिखा हुआ है, कहीं पर 6 BC लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में क्लियर नहीं हो पाया है। बट विकिपीडिया पर आप देखेंगे तो 4 BC लिखा हुआ है, तो वो भी चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं से एक तरीके से 99.9% तो माननी ही पड़ेगी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अनफैक्ट के अकॉर्डिंग है, और मानना तो पड़ेगा ही इस चीज़ को। हालांकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आप लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईसा पूर्व के काल का समय उल्टे क्रम में चलता है, जबकि ईसवी का जो समय है वो सीधे क्रम में चलता है। जो ईसा पूर्व है, यानी कि जिसे हम कहेंगे उनके बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है, वो हमेशा उल्टा चलेगा, एज अ एंटी क्लॉक चलेगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं देखूंगी, मतलब एज अ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं, और ईसवी यानी कि उनके बाद का जो समय है वो हमेशा सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे आज के जो ईयर्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर ईसवी है यानी कि AD है, ठीक है, यानी कि आफ्टर उनका जो मतलब कि बर्थ है उनके बाद का जो समय है वो ईसवी है, तो इट मीन्स वो सही तरीके से चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे है और ये सीक्वेंस है हमारा, यही तो सीक्वेंस है। अगर मैं 2018-19 इस तरीके से लिखूँ तो ऐसे ही चलता है, तो वही सेम चीज़ है। सेम एज ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट का जो समय है वो उल्टा चलता है। अभी यहाँ पर क्लियर किया गया, उल्टा यानी कि पीछे की तरफ चलता है, बट है एक्चुअल में वो सही, ऐसा नहीं है कि गलत लिखा हुआ है। आप लोगों ने इतने सारे उपन्यास या बुक्स पढ़ी होंगी या कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये वहाँ पर ये लिखा होता है इस तरीके से, मतलब कि लिखा होता है। तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स गलत समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ये गलत नहीं होता, ये सही सीक्वेंस है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का जो समय है वो ऑलवेज प्रीवियस के अकॉर्डिंग उल्टा चलता है।
तो ये आप लोगों को एडी एंड बीसी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब ये हिस्ट्री का पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा जो फंडा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी थी कि एडी और बीसी में डिफरेंस क्या होता है और इनका मीनिंग क्या होता है और जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से डिवाइड है। अभी जो मैं वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने तीनों हिस्ट्री के बारे में जो इंडिया के अकॉर्डिंग रही है हमारी हिस्ट्री, उसमें मैंने इन सब वर्ड्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं इसको भी क्लियर करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो सो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक इट करके और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज और आप लोगों के इंस्पिरेशन से मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू।